दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग इतिहास का 7वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है 10th का, और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन सारे स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा इस सीरीज से बेनिफिट होने वाले हैं। यदि आप सोच रखते हैं कि हमको 400 से प्लस नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीज़न करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव का साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 ला के दे सकता है कि 50 में आप 50 बना सकते हैं। और आप मेरे से जितने भी सब्जेक्ट है सबका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, तो आपका सारा सब्जेक्ट में 50 में 50 जरूर आएगा। और उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग में आपको सुबह 7 बजे आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और आपको एक बार उसको देखते जाइए, डेली आप देखते जाइए। उसके बाद आपको अपने आप माइंड में आ जाएगा कि ऐसे ये ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर ये होता है। यदि आपको एग्ज़ाम में आएगा तो अपने आप बनेगा, और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम क्विकली सारे चीज़ का जो भी इम्पोर्टेंट या जो ज़्यादा आने की चांसेज होंगे वो सारे क्वेश्चन को क्विकली रिवाइज भी करवा देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो गिरमिटिया मजदूर की यदि बात करें तो वह बिहार के पश्चिमी जो क्षेत्र होते थे ना, वहाँ से गिरमिटिया मजदूर को क्या किया जाता, भेजा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। पूछ रहा है कि प्राचीन काल में मतलब पहले के समय में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का किस मार्ग से कह सकते हैं कि किसका व्यापार होता था, मतलब एशिया और यूरोप का जो स्थल व्यापार होता था वो कैसे होते थे, सूती कपड़ा का या रेशम का या उत्तरापथ का या दक्षिणी पथ का। तो ये किसका होता था कि स्टार्टिंग में ही जब एशिया यूरोप की व्यापार की बात करें तो वो किसका होता था, रेशम मार्ग का होता था। किसका, रेशम मार्ग का व्यापार होता था एशिया और यूरोप के बीच में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था। जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आया था, हम कह सकते हैं कि 1929 ईस्वी में आया था। तो 1929 में जो आर्थिक संकट आया था, तो वही पूछा है कि वह किस देश से आरंभ हुआ था। तो वह कहाँ से आया था, तो अमेरिका से आया था, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा जब कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और उसको जो समापन हुआ था उस समय ही, जो 1914 से 1918 के बीच में कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसी के दौरान इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका मंदी आ गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर लेता, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया था, उत्पादन बना लिया था, लेकिन व्यापार में उसकी कह सकते हैं कि मार्केट में उसकी डिमांड न होने की वजह से आर्थिक संकट देखने को मिला था। तो वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ। मतलब उद्योग का जो होता है ना बढ़ावा, एक उद्योग लगा दूसरा उद्योग लगाना हो गया और इसी तरह बढ़ते गया उद्योग, तो वह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस देश में पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। तो औद्योगिक क्रांति की हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड में सबसे पहले हमको औद्योगिक क्रांति देखने को मिले थे। तो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो देख सकते हैं कि 2018 में बिहार बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं कि 2011 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है। इससे पता चलता है कि कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड तो और बहुत ज़्यादा कि पूछे हुए क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन पर आपको और अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक जो युग है उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अभी के समय कौन सी ज़्यादा सबसे होने वाली सबसे अधिक क्रांति कौन सी थी, तो वह कौन सी क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति। मतलब आधुनिक समय जो है, प्राचीन के बाद जो आधुनिक समय है, तो उस समय में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अर्थव्यवस्था में जो बदलाव देखने को मिला वो किसके वजह से, तो औद्योगिक क्रांति के वजह से ही। उसके बाद मेरा 6ठा जो क्वेश्चन है, जो कि 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग
बिंदास पढ़िए और आपको ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं लेना है, ना ही सब्जेक्टिव के लेना है, आप सिर्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको एग्ज़ाम आते आते उस तरीके उस लेवल पे आपका तैयारी हो जाएगा कि आपका मैक्सिमम आप क्वेश्चन बना के आइएगा और 400 से प्लस आप बोर्ड एग्ज़ाम में लेके ज़रूर आइएगा। तो आप लोग सिर्फ चैनल के साथ बने रहिए और जो भी व्हाट्सएप रिलेटेड ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो अभी हमने जब अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे थे तभी हमने बताए थे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, कब आया था, तो 1929 ईस्वी में। और यह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो अमेरिका से। दोनों क्वेश्चन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अमेरिका से आरंभ हुआ था विश्व आर्थिक संकट और 1929 ईस्वी में यह आरंभ हुआ था। कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। तो भूमंडलीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश का जो खोज होना शुरू हुआ, भूमंडलीकरण एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू हुआ, वह किस दशक में हुआ था। तो इसकी हम बात करें तो वह कब हुआ था, तो 90 की दशक में। तो कब हुआ था भूमंडलीकरण, 90 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाज़ार के रूप में कौन सा शहर उभरा था। मतलब तो पूरा विश्व में एक बड़े बाज़ार के रूप में, विश्व बाज़ार के रूप में कौन सा शहर उभरा था, तो वह कौन सा शहर था, तो बहरीन। कहाँ हुआ था, बहरीन। बहरीन ऐसा शहर था जो पहला बाज़ार के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब अस्तित्व में आया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करें तो वह कब आया था, 1995 ईस्वी में। कब आया था, 1995 ईस्वी में वह अस्तित्व में आया था। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्योंकि एक दिन में हम 10 ही क्वेश्चन कवर करते हैं जिससे कि आपको बर्डन ना लगे और दो वीडियो में हर एक चैप्टर कवर हो जाता है। तो आज भी वही करेंगे, एक मतलब 10 तक आज क्वेश्चन करेंगे और इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। तो रेशम मार्ग अभी हमने देखे थे कि रेशम मार्ग की मतलब भारत का जो स्थल मार्ग का क्या मतलब कि किस मार्ग के द्वारा होता था, तो किससे होता था, रेशम मार्ग से होता था। और कहाँ से आरंभ होता था, तो कहाँ से, तो चीन से आरंभ होता था। कहाँ से, चीन से। तो नेक्स्ट हम लोग आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर करिएगा कमेंट सेशन में कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी आपको आता हो कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपको सारा कुछ बता सकें डिटेल्स में। तो आज के लिए यही क्वेश्चन रहेगा आपके लिए और इसे आप अच्छे से मतलब सोच के थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। और यदि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में करिए, हम वो आपको क्लियर करवाएंगे, सारे डाउट्स आपको बताएंगे। थैंक यू।